यूपी इंटीग्रेट टीचर्स एंड यूपी टीचर डीपीटी के लिए एक न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज इलाहाबाद द्वारा टीजीटी पीजीटी 2016 में जो फॉर्म भरे गए थे, 16 में ये जून जुलाई में फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, तो उसका जो एग्ज़ाम डेट इन्होंने कंफर्म किया है 27, 28 और 29 सितंबर को टीजीटी पीजीटी, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन अभी 7 अप्रैल को हुआ था, उसके बाद से वो लगातार उस पर काम कर रहा है कि एग्ज़ाम डेट देना, 2011 के रिजल्ट निकाल रहा है, 11 के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू चल रहे हैं और प्रधानाचार्य के 2013 के इंटरव्यू भी लगा दिए गए हैं जून से, ठीक है, तो वो लगातार उसमें काम पे लगा हुआ है। कुछ नई वैकेंसीज भी इसमें आने वाली हैं और पुराना जो एग्ज़ाम ये फॉर्म भरे हुए थे 2016 वाले, वो उसका एग्ज़ाम डेट का इन्होंने कंफर्म कर दिया है और 2011 के कुछ रिजल्ट्स जो आ चुके थे पहले उनका इंटरव्यू 28 मई से लगा हुआ है, उसके बाद बाकी जो और काफ़ी सब्जेक्ट के रिजल्ट हैं वो आने वाले हैं, वो भी उनका इंटरव्यू भी लग जाएगा जल्दी ही, ठीक है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने कुछ लोगों को ये जो डिटेल आया था कुछ को व्हाट्सएप किया था तो सोच रहे, एक ने बंदे ने ये कहा कि ये तो बहुत टाइम मिल गया एग्ज़ाम का, भाई एलटी वाला जो है इसलिए वीडियो बनानी पड़ रही, जो एलटी वाला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करा रहा है, वो एलटी ग्रेड टीचर्स है 2018 का, उसका एग्ज़ाम डेट 24 जून अभी कन्फर्म है अभी तक तो, ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी कोर्ट में 2 केसेस चल रहे हैं, एक तो अधिक एज वालों के लिए जिन्होंने 2016 में जो वैकेंसी आई थी वो फॉर्म भरे थे और उस पर इस समय पर एज ओवर हो गए हैं तो उन्होंने कोर्ट में गए कि उनको मौका मिले, ठीक है, तो कोर्ट में अभी उस पर कोई निर्णय नहीं आया है, परंतु जो कंप्यूटर वाले कोर्ट गए थे कि कंप्यूटर में बीएड की बाध्यता को ख़त्म किया जाए, तो उस पर कोर्ट का एक अपडेट आ चुका है कि बीएड की बाध्यता समाप्त कर दी जाए। जैसी अपर एज वालों के लिए भी कोर्ट से कुछ राहत आती है तो लोक सेवा आयोग उन लोगों को फॉर्म भरने का मौका देगा, उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहा है, हो सकता है कि फॉर्म भरने का मौका दे, ये जून के पहले हफ्ते में भी आ सकता है ना, अगर एक अपडेट तो आ गया है कोर्ट का कंप्यूटर में बीएड की बाध्यता को समाप्त करना, दूसरा अपडेट वही है कि दूसरा अपडेट और आ जाए अगर एज वालों के लिए आ जाए तो जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भरने का मौका दे और एग्ज़ाम में फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो एग्ज़ाम होना ही है 24 जून को, ठीक है, कोई रोक वगैरह कुछ नहीं रहेगी, ठीक है, तो यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बनाया गया है कि एलटी वाले जो अपनी तैयारी में लगे रहें उनका एग्ज़ाम डेट अभी फिक्स है 24 जून को ही है, ठीक है, और बाकी और चीज़ों पर किसी पर ध्यान ना दें, और ये है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 2016 का टीजीटी पीजीटी, जिन लोगों ने ये फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, जिन लोगों का ये भरा हुआ है उनके लिए है, और नई वैकेंसीज भी इसमें आने वाली हैं 2018 के लिए, तो कुछ पद आए हुए हैं, मतलब पद तो ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम पद हैं, 1000 के आसपास हैं टोटल, ठीक है, तो कम पद हैं क्योंकि 2016 में काफ़ी वैकेंसीज ये आ चुकी थी, उसके बाद जो आएंगी वैकेंसी उसमें ज़्यादा पद आएंगे, तो इसका एग्ज़ाम अब जल्दी ही होने वाला है।